This is Vandana and you are watching 99.9 .9 Engineering Station. So, student, today I am going to talk about the molecular diffusion. This is the third chapter of the mass transfer series. If you have not watched my previous lecture, the link is given in the description box. Okay, so let's start today's lecture. So, in the previous lecture, couple of lecture, we were discuss about the introduction of the mass transfer and we also seen some basic example on it. Okay. In the last lecture we discussed or we started the diffusion topic and in the diffusion topic we discuss about the uh, velocity of diffusion flux units and we derive the expression that is the general governing uh, general uh, equation for the mass transfer that is this expression. This expression what you have seen in the board that is NA is equal to NA upon NA plus NB CT DAB upon c uh, z ln or this expression this expression is expre uh, uh, this expression we derive in the previous lecture this is the basic general equation for the mass transfer okay now in this lecture we are going to uh, study some cases related to this expression so first case is that is first case what was that first case is that is

जब ए कंपोनेंट डिफ्यूज हो रहा है बी कंपोनेंट में ठीक है तो हमारा फर्स्ट जो केस होगा उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि बी जो कंपोनेंट है वो डिफ्यूज ही नहीं कर रहा है इसका मतलब बी कंपोनेंट जो है नॉन डिफ्यूजिंग है तो फर्स्ट हम ले लेते हैं वेन द कंपोनेंट बी कंपोनेंट वेन दी कंपोनेंट इज नॉन डिफ्यूजिंग ठीक है वेन द बी कम्पोनेंट इज़ नॉट डिफ इन दैट केस वॉट विल हैपन एन बी इज इक्वल एन वी बिकम इज इक्वल टू जीरो एन बी बिकम जीरो एंड द एन ए बिकम वॉट एज वी नो दैट एन इज इक्वल टू वॉट इज दैट एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी होता है ठीक है तो एन बी इज इक्वल टू जीरो है तो एन क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा दैट इज़ एन ए इज इक्वल टू एन ठीक है तो हमारा ये एक्सप्रेशन आया किसकी वजह से हेल्प से ये इस इक्वेशन से वेन द बी कंपोनेंट इज नॉट डिफ्यूजिंग अब जो ये टर्म है दो हमारे पास टर्म है ये और एक ये इन दोनों टर्म्स को हम इस गवर्निंग इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है चलिए रखते हैं लेट्स डू इट वी कैन डू इट और नॉट यस वी कैन डू इट वेरी सिंपल एक्चुअली एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी टी डी ए बी अपॉन जेड एल इन वन माइनस सी ए टू अपॉन सी अपॉन वन माइनस सी ए टू सी ए वन सॉरी सी ए वन अपॉन सी ये एक्सप्रेशन हो जाएगा यह एक्सप्रेशन आएगा ध्यान से देखिए एन ए इज इक्वल टू सी टी डी ए बी अपॉन जेड एल एन वन माइनस सी ए टू अपॉन सी अपॉन वन माइनस सी ए वन अपॉन सी तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हम मोल फ्रैक्शन को कंसेंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है सी ए अपॉन सी और इसी को हम प्रेशर के टर्म में लिखेंगे पी ए अपॉन पी ठीक है ऐसे लिख सकते हैं तो चलिए इसको रीअरेंज करते हैं इस एक्सप्रेशन को इसका मतलब ये जो टर्म हो जाएगा वो पहले क्या हो जाएगा हम लिख सकते हैं इसको वाई ए टू और इसको लिख सकते हैं वाई ए वन ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन सिर्फ मैं इसके लिए लिख रही हूँ ठीक है इसके लिए लिख रही हूँ तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई ए टू अपॉन वन माइनस वाई ए वन अब इसको अगर हम प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्वेश्चन हो जाएगी पी टी माइनस पी ए टू अपॉन पी टी माइनस पी ए वन ठीक है ये हो जाएगा चलिए अब इसको एक साथ लिख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा एन ए इज इक्वल टू सी टी को अब हम सी टी को भी हम क्या आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं सी टी को लिख सकते हैं पी टी अपॉन आर टी लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो गया डी ए बी अपॉन जेड एल एन वन माइनस सॉरी एल एन पी टी माइनस पी ए टू अपॉन पी टी माइनस पी ए वन ये हो जाएगा सिंपल है इस तरीके से ये जो इक्वेशन हुआ है सिंप्लीफाई हो गया अल्टीमेटली हमें क्या मिला एन ए इज इक्वल टू पी टी अपॉन आर टी डी ए बी अपॉन जेड एल एन पी टी माइनस पी ए टू अपॉन पी टी माइनस पी ए वन ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं ताकि हमें और सिंप्लीफाई रिजल्ट मिल जाए ठीक है तो सिंपलीफाई रिजल्ट करने के लिए क्या करते हैं हम इसी को सिंपली यहाँ पे रीअरेंज करते हैं जैसे डी ए इज़ इक्वल टू डी ए बी पी टी अपन आर टी इंटू वन इंटू एल एन पी टी माइनस पी ए टू अपॉन पी टी माइनस पी ए वन इस तरीके से लिख सकते हैं खाली मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ इसमें एक ये वन का मल्टीप्लाई कर दिया जो ऑब्वियस है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि जैसे वे वी नो दैट टोटल प्रेशर इज समेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ़ दी कंपोनेंट तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ कि पी टोटल क्या लिख सकते हैं पी ए वन प्लस पी बी वन लिख सकते हैं इसी तरीके से पी टोटल को हम लिख सकते हैं पी पी ए टू प्लस पी पी टू लिख सकते हैं अब हमने ले लिया है कि uh, जो टोटल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है यानी कि वन के बराबर है तो हमारे पास हो जाएगा पी ए वन प्लस पी बी वन तो यहाँ से तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ सिंपलीफाई करने के बाद से हमारा क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा ये हो जाएगा एन ए इज़ इक्वल टू डी ए बी पी टी अपॉन आर टी जेड एल एन ये हो गया हमारा क्या वन माइनस सॉरी पी टी टोटल माइनस पी ए टू हो गया तो ये हो गया पी बी टू अपॉन पी बी वन ठीक है इसमें कोई डाउट है बताइए कोई डाउट है ठीक है नहीं है ऑल राइट तो हम आगे बढ़ते हैं ठीक है इस तरीके से लिख लिया अब हम इसको इस टर्म को इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी ए वन इज प्लस सॉरी पी ए वन यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ए वन माइनस पी ए टू इज इक्वल टू पी बी वन टू माइनस पी बी वन इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने इसको रीअरेंज कर लिया इसमें ठीक है तो ये हो गया पी ए वन माइनस पी ए टू इज इक्वल टू पी बी टू माइनस पी ए वन ठीक है ऑल राइट तो हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे वन की जगह पे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा पी ए वन माइनस पी ए टू अपॉन पी बी टू माइनस पी बी वन इज इक्वल टू वन ठीक है तो हम वन की जगह पे यहाँ पे जो वन था इन टू में उसकी जगह पे वो एक्सप्रेशन लिख देते हैं एन इज इक्वल टू डी ए बी पी टी अपॉन आर टी जेड इन टू ये एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन है बी ए वन माइनस पी ए टू अपॉन पी बी टू माइनस पी बी वन एल एम पी बी टू अपॉन पी बी वन अब इस एक्सप्रेशन को देखकर वी रिमाइंडर्स इट एक्सप्रेशन रिमाइंडर्स व्हाट? एल एम टी टी ऑफ दी हीट ट्रांसफर चैप्टर ठीक है हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट सो एल एम टी डी क्या होती थी एल क्या होता है किसी को याद है एल होता था क्या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एल क्या होता था एल होता था हीट ट्रांसफर में डेल्टा T2 टू माइनस डेल्टा टी वन अपॉन एल डेल्टा T2 टू अपॉन डेल्टा टी वन, ठीक है ये होता था तो देखिए ये एक्सप्रेशन बिल्कुल उसी के तरह है तो हम इसको मिनिमाइज करके क्या लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल टू डी ए बी पी टी अपॉन आर टी इन टू पी ए वन माइनस पी ए टू अपॉन पी पी बी एल एम ये एक्सप्रेशन चेंज होकर आ सकता है ठीक है ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में ये फाइनल अल्टीमेटली हमें ये एक्सप्रेशन मिला किस केस के लिए व्हेन बी इज नॉन डिफ्यूजिंग और यहाँ पे जो पी ए वन माइनस पी ए टू जो जो शो कर रहा है वो क्या है ड्राइविंग फोर्स ऑफ हीट ट्रांसफर ये सॉरी ड्राइविंग फोर्स ऑफ मास ट्रांसफर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइविंग फोर्स ऑफ मास ट्रांसफर तो ये केस था जो कि हमने किससे जनरल बेसिक जनरल बेसिक इक्वेशन से हमने कैलकुलेट करके इसको सिंप्लीफाई किया दिस एक्सप्रेशन में अब जो मैं आपको एक्सप्रेशन बता रही हूं इसी यही एक्सप्रेशन का दूसरा सिंप्लीफाई वे बताऊंगी जिससे हमें सेम इक्वेशन जनरेट होगी वो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं वो भी शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक है मास ट्रांसफर की गवर्निंग इक्वेशन क्या होती है एन ए इज इक्वल टू जे ए प्लस वाई ए एन ठीक है ये है गवर्निंग क्वेश्चन ऑफ मास ट्रांसफर अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एन ए को एन ए लिख सकते हैं जे ए के बदले हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं गवर्निंग क्वेश्चन दैट इज़ माइनस डी ए बी डी सी ए अपॉन डी सेट लिख सकते हैं ठीक है लिख लिया प्लस वाई ए और एन ए की जगह पे हमने एन एन की जगह पे एन बी लिख दिया ठीक है क्योंकि नॉन डिफ्यूजिंग है बी तो वो एन बी इज इक्ल टू जीरो हो जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन ये आया हम इसको रीअरेंज करते हैं यहां से एनी कॉमन लिया वन माइनस वाई ए हो गया यहाँ पे हुआ माइनस डी ए बी डी सी ए अपॉन डी जेड ठीक है डी जेड हो गया फिर से वही सी ए के बदले आप क्या लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू सी ए बाई सी था तो सी ए की जगह पे आपने क्या लिख लिया क्या लिख लिया वाई सी टी लिख लिया वाई ए सी टी तो यहाँ एक्सप्रेशन में डाल दो तो ये हो जाएगा एन ए वन माइनस वाई ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बी सी टी डी वाई ए अपॉन डी जेड ये एक्सप्रेशन हो गया अब हम इसमें लिमिट लगा लेते हैं रीअरेंज करके रीअरेंज करिए जैसे ये हो गया माइनस एन ए अपॉन डी ए बी सी टी और यहाँ पे हो गया डी जेड ठीक है अब लिमिट क्या होगी गया जेड से जेड जीरो से जेड यहाँ पे हो जाएगा वाई एट 1 से वन से वाई ए टू डी वाई ए अपॉन वन माइनस वाई ए ठीक है ये एक्सप्रेशन होगा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एन ए जेड अपॉन डी ए बी सी टी इज इक्वल टू एलेन टाइम्स वन माइनस वाई ए टू अपॉन वन माइनस वाई ए वन और ये माइनस आएगा ये जो कि माइनस माइनस कट हो जाएगा ठीक है ये एक्सप्रेशन आएगा अब हम इसके सी टी की जगह पी पी अपन आर टी रख देंगे तो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन जो आ जाएगा वो सेम आएगा जो पिछले पिछले रिजल्ट में आया था सो तो फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा इस स्टेप के बाद से ठीक है तो ये अरेंज करके हमने यही एक्सप्रेशन जो पिछले पिछले वाले मेथड से निकाला था तो सेम एक्सप्रेशन यहाँ से हमें मिल गया तो ये हो गया नॉन डिफ्यूजिंग फिनिश ओके ऑल राइट हाँ अब हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं जिसमें इक्वी मोलर डिफ्यूजन हो रहा है मतलब ए बी में डिफ्यूज हो रहा है और बी ए में डिफ्यूज हो रहा है ठीक है चलो वो भी सॉल्व कर लेते हैं सेकेंड केस इज सेकेंड केस इज इक्वी मूलर डिफ्यूजन ठीक है जैसे ये हमारे पास बॉक्स है ए बी में डिफ्यूज़ हो रहा है बी ए में डिफ्यूज़ हो रहा है ठीक है अब देखो ए और बी में डिफ्यूज हो रहा है ए बी ए में डिफ्यूज हो रहा है तो इट मीन्स कि जो फ्लक्स होता है जो फ्लक्स है इसका उसका क्या है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंस है मतलब फ्लक्स जो था वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी था वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कि मैग्नीट्यूड सेम बट द डायरेक्शन इज अपोजिट तो उस केस में क्या हो जाएगा जैसे उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास एन ए इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एन बी अगर हम उसमें एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी में रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन एन जो होगा वो होगा जीरो के इक्वल हो जाएगा ठीक जीरो के इक्वल हो जाएगा कोई डाउट है नहीं है एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं गवर्निंग एन एन इज इक्वल टू जे ए जे बी इज इक्वल टू वाई ए एन तो एन तो कैंसिल आउट हो गया मीन्स क्या हो गया एन इज इक्वल टू जे ए बचा तो ये हो गया माइनस डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड ठीक है एन इज इक्वल टू माइनस डी ए बी अपॉन डी सी ए अपॉन डी जेड तो इसको हम लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल एन इज इक्वल टू माइनस डी ए बी सी टी वही सेम चीज हम कर रहे हैं एक्सप्रेशन वो मोल फ्रैक्शन और उसमें कंसंट्रेशन के टर्म में सी टी डी वाई ए अपॉन डी जेड लिख सकते हैं तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देते हैं ठीक है सोल्व करने पे हमारे पास जो आएगा माइनस डी ए बी अपॉन जेड सी टी को हम आर टी पी टी अपन आर टी रख देते हैं अपॉन आर टी और ये हो गया वाई ए वन माइनस वाई ए टू ठीक है तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इस केस में अब हम दोनों केस के ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं तो ग्राफ के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा देखो दोनों में पी तो सेम है मतलब पी टी है तो अगर हम पहले वाले पहले वाले केस का अगर जब नॉन डिफ्यूजिंग है तो ग्राफ बनाएं तो हमारे पास किस टाइप का ग्राफ बनेगा ये फर्स्ट पोजीशन है ये सेकंड पोजीशन है ठीक है जेड डिस्टेंस है ये पी है ये पी टी कॉन्स्टेंट पी है अब उस केस में जो हमारा जो एक्सप्रेशन था पी ए वन पी बी टू जो था वो क्या हो रहा है यहाँ से ऐसे जा रहा है तो पी बी टू हो गया और यहाँ पे पी ए वन इस टाइप का हमारा जो है टेम्परे प्रेशर प्रोफाइल जो बनेगा वो बनेगा इस टाइप का ठीक तो ये हो गया इस केस में क्या था ए खाली डिफ्यूज़ हो रहा था बी में अब हम देखते हैं नॉन डिफ्यूजिंग के अब उसमें इक्वीमोलर डिफ्यूजिंग केस में क्या हो रहा है इकवी मूल केस में क्या हो रहा है जब बी भी का डिफ्यूज़ हो रहा है ए भी डिफ्यूज़ हो रहा है तो उसमें भी प्रेशर पहले वाला और वा टोटल प्रेशर कांस्टेंट है ठीक है अब इसमें क्या है इसमें इसमें भी ये इस इक्विमोलर डिस्क इक, इक्विमोलर डिफ्यूज़न में इस टाइप का ग्राफ आ रहा है जिसमें ए भी डिफ्यूज़ हो रहा है बी में और बी भी डिफ्यूज़ हो रहा है ए में ठीक है तो ये एक्सप्रेशन है आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी थिंग आई ट्राई माई बेस्ट और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं ठीक है तब तक के लिए थैंक यू एंड हैवे नाइस डे